औरंगाबाद विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सईराम पहलवान जी का जन्मदिन आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए सभी विधानसभाओं से लोग सईराम के कार्यालय पर पहुंचे और पगड़ी और माला पहनाकर सईराम जी का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया गया। सबसे अहम बात, अपने जन्मदिन के अवसर पर तुगलकाबाद विधानसभा को 3 मोहल्ला क्लिनिक बनवाकर श्री सईराम जी ने तोहफा दिया। आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव नजदीक है और आज आपका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, अपने जन्मदिन पे क्या तोहफा दे रहे हैं आप जनसंख्या? सबसे पहले तो तुगलकाबाद गांव के लिए पानी के लिए दस्ते आज तक उनके लिए पानी की 18 इंच की लाइन जो पूरे आस पास के एरिया में कहीं नहीं हुई है वो इस महीने पूरी करके हम पानी का काम करेंगे। दूसरा, क्षेत्र की जनता के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक मेरे यहाँ पहले चल रही हैं, 3 बन के तैयार है, वो चालू हो गई हैं। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का उद्घाटन करेंगे। तोहफे में क्षेत्रीय जनता के लिए 3 मोहल्ला क्लिनिक देना चाहता। विधानसभा चुनाव के लिए क्या संदेश रहेगा? चुनाव तो है ही है, उसमें संदेश का देना है। तो क्षेत्र ने अपने काम किया है, पार्टी ने काम किया है, लोगों में सहयोग हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो गए हैं तुगलकाबाद विधानसभा में, बहुत बड़ी मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसके उपलक्ष्य में? सीसीटीवी कैमरा एक बहुत दिल्ली के लिए बहुत ज़रूरी था और एक महिला सुरक्षा के लिए, चोरी के लिए, चैन स्नैचिंग के लिए एक दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ सामने को देख के। और मैं कहूँगा कि दिल्ली में 1.5 लाख एक साथ कैमरे लगाना दिल्ली सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम सारे बदरपुर विधानसभा के युवा यहाँ पे आए हैं उनको शुभकामना देने, और सईराम पहलवान जिस तरह क्षेत्र के अंदर तुगलकाबाद के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे वो युवाओं की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, चाहे वो कोई सी भी बात हो विकास के बारे में, मुझे लग रहा है कि बदरपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता और तुगलकाबाद के सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं सईराम जी से, और परमात्मा से हम दुआ करेंगे कि उनकी लंबी आयु हो और इसी तरह वो समाज में ऐसी सेवा करते रहें और आगे बढ़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, दोबारा सईराम जी को जिताना चाहिए? पूछने की बात ही नहीं है, उनके टक्कर का कोई नेता यहाँ है नहीं। सईराम पहलवान जी आज के कोई नेता नहीं है, पिछले हम पिछले 20 साल से उनको देखते आ रहे हैं और जिस हिसाब से वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हितेशी हैं, तो उसमें उनके सामने कोई है ही नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जमानत जब्त करेंगे, जो भी व्यक्ति उनके सामने आएगा वो जमानत जब्त। सबसे बड़ी बात है आज अपने जन्मदिन के अवसर पर तुगलकाबाद विधानसभा को 3 मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने तोहफे में दिए। आप 3 कदम मोहल्ला कर रहे हैं, कई काम ऐसे करें हैं। विधायक जी के जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? विधायक जी के साथ क्षेत्र की जनता का आस्था है और बड़े खुशी से हम लोग उनका जन्मदिन, क्योंकि क्षेत्र में अच्छा विकास, लोगों को मान सम्मान दे रहे हैं, लोगों का जो काम है उनसे पूछ के उनसे मिल के रात दिन 24 घंटे पब्लिक की सेवा में रहते हैं, इसलिए जनता का आस्था है उनमें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहते हैं। इसी खुशी में हम पहलवान जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी हमारे क्षेत्र का विधायक यही रहे,
ताकि जनता का मान सम्मान ऐसा रहे। आज हम बहुत लोग खुश हैं क्योंकि आज हमारे MLA साहब तुगलकाबाद क्षेत्र के श्री सईराम पहलवान जी का आज जन्मदिन है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही है हष्ट पुष्ट और जनता की सेवा करते रहें और ऐसे ही निरंतर इनका जन्म ऐसे हम लोग मनाते रहें। हम बहुत बहुत अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से चौधरी सईराम पहलवान जी को हम शुभकामनाएं देते हैं। भगवान इनको लंबी उम्र दे, अच्छी सौभाग्य दे, अच्छी सांत्वना दे जो जनता के प्रति अपने सारे काम कर दे। पहलवान जी को जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद पॉकेट की तरफ से, हमारी 13 पॉकेट ही नहीं सारी पॉकेटों की तरफ से। कालकर एक्सटेंशन में बहुत काम भी हुआ है और बहुत प्यारे नेता हमारे हैं, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज इस तुगलकाबाद विधानसभा के सम्मानीय विधायक चौधरी सईराम पहलवान जी का 10 अक्टूबर का जन्मदिन था और इधर तेखंड ऑफिस पे पहलवान जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया और सभी लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। और तुगलकाबाद विधानसभा में जिस तरह से सईराम पहलवान जी ने 4.5 साल में जो विकास का काम किया है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे रोड का क्षेत्र हो, साथियों इन्होंने बहुत सराहनीय काम किए हैं। पानी घर घर पहुंचाने का काम पहलवान जी ने किया है, उसकी बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में इतने काम किए जो कि 5 साल पानी के 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट रहे, MCD में भी और यहाँ से 3 बार विधायक रह चुके हैं, पर आज तक जो काम उन्होंने नहीं कर पाया वो हमारे विधायक जी ने 4.5 साल में इतने काम करके दिखा दिए हैं। पानी का हो गया, रोड का, सीवर का, नाली का, दवाई का, जो भी काम है बहुत सारे काम किए पब्लिक के लिए, जो कि इस वजह से हमारे विधायक जी को नेता नहीं अपना बेटा मानती है। देखिए, मैं कालका एक्सटेंशन का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बाकी हमारी जितना भी काम हुआ है वो सईराम पहलवान जी की वजह से हुआ है। बिजली, पानी, सफाई इतनी अच्छी कराई है, अभी तक किसी ने नहीं कराया और हम चाहते हैं आने वाली विधानसभा में सईराम पहलवान जी को चुना जाए। कोई भी व्यक्ति हमारे विधानसभा में 5 मिनट के अंदर में कोई भी हमारे काम को गिनती नहीं कर सकता है। किसी के जितना काम हुआ है दिल्ली सरकार से मिलकर हमारे विधायक जी ने काम किया है, उतना काम कोई भी नहीं किया है। तो मैं आने वाले चुनाव जो होने वाले हैं, चुनाव में सबसे निवेदन करूंगा कि इस तरह के विधायक जी को आप लोग भारी बहुमत से जिता कर पुनः अपने काम को करवाइए, अपने काम को आगे बढ़ाइए और अपने क्षेत्र के विकास कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को बनाइए। क्योंकि यदि आप लोग चुनाव में जिताएंगे तो विपक्ष जो है वो चित हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो पहलवान जी को हैप्पी बर्थडे, और दूसरा ये है कि काम लोग बहुत जोरों से हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हो कोई भी बिजली पानी हर चीज़ में काम हो रहा है, सड़कें बन रही है, नहीं सड़कें हैं तो सारी कैमरे लगे हुए हैं, पोस्टर लाइट है, बड़ा खड़ा रखे हैं, चौपाड़ी बनाई जा रही है, अभी हॉस्पिटल हमारे हमारी चौपाड़ी काम है, काम अपने जन्मदिन के तौर पर 3 मोहल्ला क्लिनिक सईराम जी ने गिफ्ट दिए हैं तुगलकाबाद विधानसभा को, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो काम करते हैं उसकी तारीफ की काफी चीजें जो बदलती है।